नमस्ते। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th लेवल का आज हम लोग देखेंगे, जिसमें इसका लास्ट टॉपिक। इससे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तीन मेथड के नाम से हम लोग इसको डिराइव करते हैं, अलग अलग मेथड से बनाते हैं। और एक और मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसको भी समझ चुके थे हम लोग। आज देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन कौन सा मेथड बताए? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो पहला मेथड अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा एलिमिनेशन। और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तीनों ही मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, दो इक्वेशन हमारे पास होते थे, उस दोनों ही इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चुन लेना है, और हर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होते थे। एक वेरिएबल के लिए वैल्यू निकालते थे, उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक इक्वेशन को हमने चुन लिया, मतलब सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुम्हें चुन लिया तू भी मुझे चुन, तो यहां पर चुनने वाला काम होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एक को उड़ा देना है, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो उसका काम है एलिमिनेशन मेथड का। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, आसान मेथड है, प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबको बांध करके एक साथ काम करता है, एक साथ सबको एक धागे में पिरो करके काम करता है। तो आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे। आइए समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपने पास होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए इस तरीके से a1x plus b1y plus c1 equals to 0, और दूसरा इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कभी कभी इक्वेशन को दूसरे टाइप से भी हम लोग लिख देते हैं, जैसे a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। आइदर इक्वेशन में, आइदर फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस चेंज आएगा जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे इसके फॉर्मूला को, तो वहां पर देख लेंगे थोड़ा सा क्या चेंज आता है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, किस मेथड के लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने में दिख रहा है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें से दोनों ही इक्वेशन में से एक्स और वाई का वेरिएबल, एक्स और वाई वेरिएबल है, इसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो एलिमिनेट यहां पर कर देते हैं सबसे पहले। अगर वाई को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशियंट यहां पर b1 और y का कोफिशियंट दूसरे इक्वेशन में b2। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे इक्वेशन में जो y का कोफिशियंट है, इससे पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y का जो पहले इक्वेशन में कोफिशियंट है b1, इसको दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब अपने पास वैल्यू बन करके आ रहा है a1 b2x plus b1 b2y plus b2c1 is equal to 0, और दूसरे इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं b1 से, तो वैल्यू बन करके आएगा a2 b1x plus b1 b2y plus b1 c2 is equal to 0। एलिमिनेट करना था y को। अब देख लीजिए y का कोफिशियंट b1 b2 पहले इक्वेशन में, और y का कोफिशियंट दूसरे इक्वेशन में भी b1 b2। इसका मतलब अब ये एलिमिनेट हो सकता है, दोनों का साइन पॉजिटिव, तो माइनस कर देना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। y कोफिशियंट और y वेरिएबल दोनों ही एलिमिनेट हो गया। हमारे पास जो वैल्यू बचा वो क्या वैल्यू बचा, a1 b2 x माइनस a2 b1 x प्लस b2 c1 और माइनस b1 c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इस दोनों ही टर्म में x कॉमन है, तो x कॉमन लिया जा सकता है। सो a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इस टोटल टर्म को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, और दूसरे टर्म का साइन नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग b1 c2 माइनस b2 c1। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू
b1c2 minus b2c1 whole divided by a1 b2 minus a2 b1, ये x का वैल्यू आया। दो वेरिएबल है x एंड y, जिसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग पता कर लिए। इसको थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ऊपर में जो नोमिनेटर में जो आपको वैल्यू दिख रहा है वो x के डिनोमिनेटर में आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ x डिवाइडेड बाई बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। चलिए x के लिए तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, अब थोड़ा y के लिए कैलकुलेट करते हैं। आप y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू आइदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर x को इलिमिनेट कर दीजिए। दोनों ही मेथड आपके पास है, या तो x का वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, या फिर y के लिए अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को इलिमिनेट करना पड़ेगा। हम यहां पर इलिमिनेट कर लेंगे, इसको फिर से लिखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने पास है, y का वैल्यू निकालना है तो x को इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x को जब हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा तो x के पहले इक्वेशन में a2 है कोफिशियंट और दूसरे इक्वेशन में a1 है कोफिशियंट। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे इक्वेशन को जो पहला इक्वेशन में x का कोफिशियंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स a2 इंटू टोटल इक्वेशन। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट अपने पास आएगा a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन में जब a2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में a1 a2 और x का कोफिशियंट दूसरे इक्वेशन में भी a1 a2। इलिमिनेट अब आसानी से हो सकता है, दोनों का साइन पॉजिटिव तो करना नेगेटिव है, माइनस करना है, माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो इलिमिनेट हो गया। अब अपने पास बचा क्या, बचा अपने पास a1 b2 y माइनस a2 b1 y प्लस a1 c2 माइनस a2 c1। दोनों ही टर्म में y दिख रहा है तो y को कॉमन लिया जा सकता है। इट मीन्स a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू y प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए y का एक टर्म जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, दूसरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। a2 c1 का साइन नेगेटिव, राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव, और a1 c2 का साइन पॉजिटिव, राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव। इट मींस इसको लिखा जा सकता है a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2। इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। y का भी वैल्यू अपने पास आ गया। दो वेरिएबल था दोनों ही इक्वेशन में और दोनों का ही वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब यहां पर देखिए y को थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं। इट मींस y कैन बी रिटेन एज, ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर में, ये y का डिनोमिनेटर बन जाएगा अगर थोड़ा सा और इसको अरेंज करना चाहे तो। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अगर इस दोनों को फिर से अगर अलग अलग इक्वेशन मान लिया जाए तो दोनों के लिए जो राइट साइड वाला वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, और y के लिए भी जो वैल्यू आया है 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ये दोनों ही इक्वल है। और इक्विलेट्स ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ये सब आपस में बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा अरेंज करके कि x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और यही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का डेरिवेशन फॉर्मूला, इसी से हमको सवाल बनाना है। और दूसरा टर्म अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को 23-12 नाम से भी जानते हैं।
2312 2312 मेथड से भी जानते हैं। अब सोचेंगे कि 2312 क्या है, 2312 क्या है। 2312 इंडिकेट्स द टर्म्स, इसका मतलब 2 सेकंड टर्म, 3 थर्ड टर्म, 1 फर्स्ट टर्म एंड फिर से 2 सेकंड टर्म। इसको हम लोग अरेंज करके दिखाएंगे, क्योंकि इतना भारी भरकम फॉर्मूला है ये याद रखना मुश्किल हो जाएगा, आसानी से याद होगा नहीं। अगर याद हो भी जाता है तो माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो जाएगा, कहां पर माइनस होगा कहां पर प्लस होगा। अगर इस मेथड से हम लोग समझते हैं तो आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं और इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं अलग अलग सवाल के लिए। देखते हैं कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। इसको नोट करके रख लीजिए, यही फॉर्मूला आने वाला है। तो 2312 को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, और दूसरा इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अब 2312 इस मेथड से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से वैल्यू आता है। तो पहले लिख लेते हैं x, फिर इधर y और इधर 1। इसलिए लिख लिए क्योंकि यहां पर देखिए x, y और 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिख लिए, x, y एंड 1। अब यहां पर छोटा छोटा बॉक्स बना लेते हैं, ऊपर में भी नीचे में भी। टू थ्री वन टू है ना, 2 का मतलब सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म में वेरिएबल है y, और y का कोफिशिएंट क्या है, b1 b2। इसका मतलब यहां पर हमको डिनोट करना है b1 और इधर डिनोट करना है b2। 2 के बाद है 3, थर्ड टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म c1 एंड c2। तो यहां पर हमको डिनोट कर देना है c1 और इधर c2। इसके बाद है 1 में वेरिएबल है x और वेरिएबल का कोफिशिएंट है a1 एंड a2 दोनों ही इक्वेशंस में। तो यहां पर हम लोगों को डिनोट कर देना है a1 इधर a2। और लास्ट टर्म फिर से है 2 में y वेरिएबल और y का कोफिशिएंट b1 एंड b2, फिर से लिख दिए b1 एंड b2। यहां से अपना काम बनता है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और माइनस ए वाला टर्म। सिमिलरली इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर से लास्ट टर्म में अगर देखें कांस्टेंट के लिए तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो फॉर्मुलेट करके अगर हम लोग लिखें तो एक्स डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय c1a2 कैन बी रिटन एज a2c1 माइनस a1c2 और c2a1। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग a1c2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। सेम फॉर्मूला आपको मिला, जहां जो हम लोग यहां पर कैलकुलेट किए थे वही चीज यहां भी मिल गया। तो इस मेथड से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं और सवाल को बना सकते हैं। अब एक चीज हम लोग बोले थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म इक्वालिटी के बाद आ गया, मतलब ये हुआ कि a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। अगर कांस्टेंट टर्म इक्वालिटी के बाद है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है, ये जो 1 दिख रहा है इस 1 के स्थान पर हम लोग यहां पर लिखेंगे -1। अगर कांस्टेंट टर्म इक्वालिटी के बाद आया तो पूरे इक्वेशन में कहीं कोई चेंज नहीं करना है, यहां पर लिखना है हमको -1। तब जो यहां पर ये 1 दिख रहा है इस 1 के स्थान पर हम लोगों को डिनोट करना पड़ेगा -1। सो अगर इक्वलिटी के बाद कांस्टेंट आया तो इस 1 के स्थान पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, और बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये था डेरिवेशन फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए। अब इस पर आधारित एक दो सवाल बना करके चेक कर लेते हैं कैसे सवाल बनता है। इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, और दूसरा इक्वेशन x minus 2y plus 3 is equal to 0। दो इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है, जबकि 2312 मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। 2312 यहां पर लिख दिए x, इधर y और इधर 1, क्योंकि अभी कांस्टेंट इक्वालिटी से पहले है इसलिए यहां पर हम लोग 1 लिखे, और इसी इक्वेशन को हम लोग दिखाएंगे कि 4 और 3 जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है वो इक्वालिटी के बाद आएगा, हम लोग -1 वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए 2312 इसका मतलब ये हुआ कि पहला यहां पर बॉक्स बना लेते हैं कुछ, सेकेंड टर्म को इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड टर्म वेरिएबल वाई है और इसका कोफिशिएंट यहां पर 3 और दूसरे इक्वेशन में -2, यहां पर लिख दे 3 -2।
इसके बाद है थ्री, इट मीन्स थर्ड टर्म, वो कॉन्स्टेंट टर्म को डिनोट कर रहा है। फोर एंड थ्री, यहाँ पर लिख दिए फोर और यहाँ लिख दिए थ्री। इसके बाद है वन, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल एक्स है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर टू और यहाँ पर वन, इधर टू लिख दिए इधर वन लिख दिए। इसके बाद फिर से टू, सेकेंड टर्म, थ्री एंड टू, थ्री एंड माइनस टू, इधर थ्री इधर माइनस टू लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना है, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स एक्स डिवाइडेड बाय थ्री थ्री जा नाइन माइनस फोर टू जा एट माइनस एट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय फोर वन जा फोर माइनस थ्री टू जा सिक्स। दिस इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू टू जा फोर, इट मीन्स माइनस फोर, यहां पर माइनस लगा हुआ है, माइनस थ्री वन जा थ्री। सॉल्व करते हैं, सो एक्स डिवाइडेड बाय नाइन माइनस ऑफ माइनस एट प्लस एट, सो नाइन प्लस एट सेवनटीन इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय फोर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय माइनस फोर माइनस थ्री, इट मीन्स माइनस सेवन। सो कंपेरिजन करेंगे तो वैल्यू आएगा एक्स डिवाइडेड बाय सेवनटीन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय माइनस सेवन, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन डिवाइडेड बाय माइनस सेवन। और y के लिए जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो y डिवाइडेड बाय माइनस टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय माइनस सेवन, माइनस माइनस पहले कट गया, सो y इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय सेवन। दो वेरिएबल, दोनों का वैल्यू अपने पास आ चुका है। इसी सवाल को जब कॉन्स्टेंट को हम दूसरे साइड रख करके बनाते हैं और यहां पर वन के बदले में अब हम माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या सब रिजल्ट आता है। सो लिख दिए हम एक्स, इधर वाई, इधर अब माइनस वन। इक्वेशंस, इसी इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस फोर, और दूसरे इक्वेशन में बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहां से हम लोग इसी 2, 3, 1, 2 तेईस 12 फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर से बॉक्स बना लिए, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 मतलब सेकेंड टर्म, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 मतलब लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 3। इसके बाद 1 फर्स्ट टर्म, 2 एंड 1, कोफिशियंट वेरिएबल्स का देखना है। इसके बाद फिर से 2, 3 एंड माइनस 2, 3 एंड माइनस 2। क्रॉसली मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या सब रिजल्ट आता है। सो x डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 3, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो इधर आ जाएगा माइनस 9 माइनस फोर टू जा एट माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स ओनली 8 इज इक्वल टू, यहां पर ब्रैकेट हटा देना चाहिए, डायरेक्ट कह रहा है तो ब्रैकेट क्यों यूज करें, 8 वाई डिवाइडेड बाय 4 वन जा 4 माइनस है तो यहां पर माइनस 4 लगेगा, और 3 टू जा 6 माइनस है तो एक माइनस अपने पास पहले से और यहां पर माइनस 6। दिस इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू टू जा फोर, माइनस यहां पर है इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस फोर, और माइनस थ्री वन जा थ्री। सो दिस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस सिक्स, इट मीन सिक्स माइनस फोर रिजल्ट टू। दिस इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस फोर माइनस थ्री, इट मीन माइनस सेवन। फिर से कंपैरिजन करते हैं दोनों ही वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ, इट मींस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू माइनस वन बाय माइनस सेवन। अच्छा, माइनस वन बाय माइनस सेवन तो पहले से यहां पर नेगेटिव कैंसिल हो गया, कैन बी रिटेन एज वन बाय सेवन, सो यहां पर वन बाय सेवन ही हम लोग यूज करते हैं। सो एक्स कैन बी रिटेन एज माइनस सेवनटीन डिवाइडेड बाय सेवन, और वाई के लिए जब कंपेयर करेंगे तो वाई डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय सेवन, so y is equal to 2 divided by 7। अब कंपेयर कीजिए, जब इक्वालिटी के बाद कांस्टेंट था तब x का वैल्यू आया x डिवाइड x is equal to minus 17 by 7 and y is equal to 2 divided by 7। जब इक्वालिटी से पहले कांस्टेंट था उसमें x का वैल्यू आया 17 by minus 7, it means minus 17 by 7 and y is equal to 2 divided by 7, यहां भी y divided by 2 divided by 7 y is equal to। तो दोनों ही मेथड से रिजल्ट सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इक्वालिटी के बाद अगर कांस्टेंट है तो ये जो वन लिखा हुआ है इस वन के स्थान पर माइनस वन बस सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है, और बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा। अगर इक्वेशन इस टाइप से आया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, अब आप बोलेंगे कि सर एक टर्म तो कांस्टेंट के बाद है और दूसरा टर्म कांस्टेंट से पहले है, तो आपके पास ये चॉइस है,
या तो इस 3 को भी इक्वलिटी से पहले लिख लीजिए, या फिर दूसरे इक्वेशन में जो -2 है इसको इक्वलिटी के बाद कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब आइदर सिचुएशन में हमको या तो ये वाला स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा या फिर ये वाला स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। ये दोनों ही पैटर्न पर ही हमारा सवाल बनने वाला है। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हमेशा हाजिर रहेंगे आपको बताने के लिए। धन्यवाद।